नहीं भैया आजकल लेडीज लोग भी बहुत शेयर करने लगी, भैया 400 बोल रहे थे और बीच में जब 50 ऐसे ज्यादा निकल गए मुंह से, मतलब बोलते मुझे जवाब में आते तो 50 ज्यादा हो गए। ये पूरी शॉल थोड़े तो स्टॉल है ना, कम है ना, शॉल से तो छोटी है ना। अरे लेडी पूछ रहे हो तो लेडीज ही देखूंगी ना, सबसे महंगी जूती है इसमें, इससे अच्छी तो वही लग रही सस्ती वाली। भैया 300 प्लीज 300 में दे दो। हम तो सोचते ये रहेंगे। Hi guys, I am Priyanka and welcome to my new vlog. So, जो आज का vlog है वो है 1000 rupees shopping challenge. So, come on, let's go. मैं हूँ इस समय लुधियाना के चौड़ा बाजार में। यहाँ पे ना मुझे कुछ सेल में चीजें दिख रही है, देखे देखे सिर्फ 150 रुपीस की है ईद, और देखे मेरे लिए क्या आएगा, मेरे लिए क्या आएगा। अरे अरे ये तो बहुत छोटे कपड़े हैं भैया, भैया ये तो बच्चों के। अरे 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 यहाँ तो मैं बात खा गई 150 रुपए में, तो भाई बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, बच्चे तो मेरे आसपास तक भी नहीं है गाइस। तो चलिए चलिए आगे पूछते, ये बड़ों के कपड़े दिख रहे हैं भैया, इसमें सेल नहीं है, इसमें सेल है। कितने का ये पिंक, ये पिंक वाला 600 रुपए का सेल। हाय भैया इसमें और कोई सेल नहीं है, डिस्काउंट नहीं मिलेगा? 1100 का भाई, 1100 का पीस 600 में दे रहे, बट नहीं 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 हमारे पास तो सिर्फ 1000 रुपए 600 का ये पिंक सूट ले लिया, तो आगे क्या लूंगी मैं। नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू भैया, और ढूंढते हैं बाजार में क्या क्या हमें सेल में मिलेगा। आ जाओ गाइस, एक भैया है जो कुछ अजीब टाइप की इक्विपमेंट बेच रहे हैं। तो क्या भैया क्या है आपके पास, ये क्या दे रहे हो आप? शेव करने की मशीन, मतलब कैसे, मतलब ये ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो शेव, दाने तो नहीं निकल आएंगे भैया, पक्की बात है? तो ये जेंट्स करेंगे कि लेडीज करेंगे? जेंट्स करेंगे मैम, जेंट्स करेंगे। नहीं नहीं भैया आजकल लेडीज लोग भी बहुत शेव करने लगी, देखो हम तो अभी शेव है, हम तो अभी शेव है बना के आए, तो हमें तो जरूरत नहीं। वैसे कितने की है? 220 रुपए की। सेल्वल डाल देंगे इसके अंदर, ये देखो ये आप ट्राई करोगे, बाद में देखेंगे इसमें दाने निकल देंगे। गाइस पानी वानी लगा के साबुन वाबुन लगा के करना तो निकल जाएंगे क्या बात, पक्की बात है? वहाँ गाइस 250 रुपए में बड़ी बड़ी बढ़िया चीज मिल रही है, आओ दिखाओ। ये देखो गाइस यहाँ पे मिल रहे हैं सिर्फ 250 रुपीज में 3 पीसेस सूट, मतलब इतनी तो ना मेरे टेलर भैया सिलाई भी इससे बहुत ज्यादा लेते हैं। बट ये देखो कितने कलरफुल सूट्स हैं यार, ऑरेंज ग्रीन ब्लू येलो, 250 रुपए में। आई स्टिल कांट बिलीव दिस की 250 रुपए में पूरा का पूरा सलवार सूट का कपड़ा मिल रहे थे। देखो मैं तो सलवार सूट पहनती बहुत कम हूँ, बहुत ही कम पहनती हूँ, तो मैं यहाँ से कुछ नहीं लूँगी, मैं ऐसी चीज़ लूँगी जो मेरे यूजफुल हो। तो चलो चलो आगे चलो और देखें क्या क्या है, आ जाओ आ जाओ। आपने कभी स्वेटर की ड्रेस बनाई है? ये देखिए भैया दिखाइए ज़रा, ये देखिए गाइस स्वेटर वाली पूरी की पूरी ड्रेस, ये देखो मेरे तो पूरा गाउन बन गया। ये कितने का है? 250 सर, 250 रुपीस का है, क्या बात है यार। गाइस पता है मैं आ गई हूँ एकदम जैकेटों के मार्केट में, यहाँ चारों तरफ मुझे जैकेटें ही जैकेटें दिख रही, तो ये देखो गाइस यहाँ पे देखो कितनी सारी जैकेटें टंगी हुई है। तो भैया कितने तक की जैकेटें हैं? 500 से स्टार्टिंग है, तो भैया जरा दिखाओ, जरा दो चार कलर वलर दिखा दो। अरे लेडी पूछ रहे हो तो लेडीज ही देखूंगी ना, जेंट्स तो ये खड़े इनको नहीं दिलाऊंगी, मेरा चैलेंज है मैं देखूंगी। अरे वाह तो ब्लू कलर की जैकेट है, वाह 500 की। ओहो इसके अंदर तो पूरा वार्मर भी है, वाह बहुत अच्छी। इसमें और कलर्स भी हैं भैया, दिखाइए ना, ये तो फिरोजा कलर है। ओके ओके ये है ऑलिव कलर, ऑल राइट ऑलिव कलर, नेवी ब्लू और पिंक, हाय पिंक कलर भी है। पिंक मेरे पास ऑलरेडी है एक, मैंने मंगाई थी, पर मुझे तो ना ये नेवी ब्लू ही अच्छा लग रहा है, पर अभी भैया को थोड़ा पटाना पड़ेगा कि 500 से कम में दे, नहीं तो 500 रुपए की जैकेट ही ले लिया तो फिर और क्या लूंगी मैं मार्केट में। तो भैया ये कितने देने वाले, कितने इसके प्राइस? बार्गेनिंग नहीं होती क्या बात कर रहे हो भैया, यहाँ तो बहुत बार्गेनिंग चल रही थी ऐसा हम देख रहे थे। नहीं नहीं भैया 500 की तो नहीं ले सकते, आज तो 1000 रुपए में मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। नहीं अच्छा 500 की बोल रहे, तो ये लो आप अपना हैंगर तो रख लो भैया, हमें ये 300 की दे दीजिए प्लीज, 300। नहीं नहीं भैया दे दो ना, ऐसे क्यों वापस क्यों ले रहे हो, मतलब मार्केट में है बहुत ज्यादा भीड़, और ये देखो यहाँ तो पर्सेस मिल रहे, अरे वाह 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 ये तो बड़े क्यूट क्यूट पर्स है यार, ये देखो ब्लू ये पिंक अच्छा लग रहा है यार, ये पिंक सही है, क्या क्या सामान आएगा ये निकाल दूं? अच्छा हाँ आज मोबाइल तो आ जाएगा, कैश और कार्ड, अच्छा कार्ड लगाने की जगह, ये देखो इसमें कार्ड लगाने की भी जगह। ये कितने का भाई साहब, कितने का भैया? 100 रुपए का। और ये तो बहुत सुंदर पर्सेस है, ओ माय गॉड जस्ट लुक एट दिस ग्रे, इसके अंदर क्या क्या आएगा सामान जरा देखती हूँ।
अरे गाइस इसके अंदर तो देखो मोबाइल नहीं आ पाएगा बट कैश और कार्ड जरूर आएंगे। ये 200 का है, ये 100 का है, कितने दूर इसके? नहीं नहीं 100 से थोड़ा तो कम करो, हमारा तो चैलेंज चल रहा है, हमें तो थोड़े तो कम कराने ही पड़ेंगे भैया। 100 का पर्स ही ले लिया तो बाकी सामान क्या लूंगी, कुछ कम करो। अच्छा अपने हिसाब से कम कर दो। नहीं नहीं भैया कुछ तो कम करना पड़ेगा आपको, करो ना कुछ तो कम दे दो। अच्छा आपकी ना मेरी 70 में दे दो, अब इतना तो लिहाज कर लो ना मेरा भी। ऐसे कैसे कर रहे हो भैया, हंसी चले जा रहे हैं, हंसी चले जा रहे हैं। 200 रुपए में मांगता है तब देती तुम उसको? नहीं 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 200 रुपए का गाइस, 100 रुपए मांगे जबरदस्ती, मेरे 100 रुपए एक्स्ट्रा मत लगवाओ। दो ना, कितने का दोगे? एकदम 100 रुपए पक्की बात? चलो भैया दे दो फिर। चलो भैया 100 रुपए में हम पिंकी पिंकी पर्स लेके जाएंगे, पम पम लगा हुआ। गाइज यहाँ लुधियाना की मार्केट में पता है सोना बहुत सस्ता हो गया। ये देखिए यहाँ पे टंगी है एकदम सुंदर सुंदर जैजी जैजी गोल्ड की चेने। भैया कितने की है? देखो 50 रुपए की चेन मिल रही है, बट ये असली नहीं है गाइस, नकली नकली चेन है, बट इतनी ज्यादा शाइनी है एकदम झिंटक झिंटक ब्लिंक ब्लिंक है इसके अंदर। और ये क्या है यार? ये हाँ ये मेरे इयर रिंग है, एक निकाल के देखती हूँ कैसा लगता है। ये इयर रिंग है क्या? सूट क्या लटका? सूट क्या लटका? सूट क्या लटका? हम तो सोचे इयर रिंग है। अरे हमको वैसे अच्छी लग रही है, क्यों क्या कहते हो? नहीं देखो कैसी लग रही, इयरिंग जैसी लग रही कि नहीं लग रही? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरी ये लटकन वाली इयरिंग्स कैसी लग रही। क्यों गाइस गोल्ड की ब्लिंक चेन देखने के बाद देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये नोटों की माला। देखो भाई एक तरफ तो 20 रुपए लगे, और अगर ज्यादा महंगी पहनी है ना देखो 200 रुपए लगे, 200 हाँ डबल साइज जैसी जैकेट होती है ना वैसी। देखो नोट की माला है ये तो, पर ये इसमें तो ये तो नकली नोट है। अरे यार ये तो कागज वाले नोट, मतलब कागज वाले तो नोट होते ही, बट ये नकली है, ये तो असली नोट नहीं है। ये पता नहीं कितने की होगी, नीचे लो ये असली और नकली नोट की माला मुझे नहीं पहनने आ जाओ। गाइस आप कभी पैदल जैम में अटके? गाड़ियों में तो सब अटकते, मैं ना देखो देखो आज पैदल ही जैम में अटक गई हूँ। ये पूरी रोड जो है यहाँ ब्लॉक हो चुकी है, और ऐसे ऐसे टॉर्टोइस की तरह मैं चल रही हूँ क्योंकि चलने की जगह ही नहीं है। बट ये कितनी अच्छी जगह रुकी हुई, देखो यहाँ पे मिल रहे बहुत ही सुंदर सुंदर से शॉल है। ये देखो कितना प्रीटी है, पूरा काम करा हुआ है। तो भैया ये कितने के है? ये वाला शॉल कितने का है? 1000 रुपीज़ का। अरे बाप रे आज का तो बजट ही 1000 रुपए का, जिसमें तो 400 रुपए तुम लोग ऑलरेडी खर्च कर चुकी हो। मुझे नहीं लगता ये शॉल मैं ले पाऊंगी गाइस, 1000 रुपए की शॉल से चलते चलते देखो मैं आ गई यहाँ स्टॉल मार्केट में। भैया ये स्टॉल कितने के हैं? 200 रुपए के। अरे यहाँ तो मुझे लगता है मेरा काम बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये लाल नीला पीला ये व्हाइट वाला अच्छा लग रहा है यार, देखो कितना मेरे पास जचेगा ना। वैसे तो मैंने व्हाइट और पिंक पहन रखा, अभी ब्राउन और व्हाइट ले लो। ये 200 का है, देंगे कितने का? रेट एक ही। अरे भैया कुछ तो कम कर दो ना, देखो इतनी दूर से आए हम, कुछ तो कम कर दो। मतलब ये भैया भैया दे दो ना कुछ तो कम कर दो। 50 में एकदम कैसे ऐसे कसम खा के बैठोगे? 200 में ही दोगे? अरे अच्छा कुछ आपकी ना मेरी क्या कम करोगे? 150 में लूँ क्या? नहीं नहीं अच्छा चलो मेरी भी नहीं और आपकी भी नहीं भैया, 150 भी थोड़ा ज्यादा है। ये पूरी शॉल थोड़े तो स्टॉल है ना, कम है ना शॉल से तो छोटी है ना स्टॉल ही है पूरा। नहीं नहीं भैया शॉल तो बड़ी होती है, ये तो स्टॉल है, स्टॉल है ना। 100 में दे दो ना भैया। अरे भैया दे दो ना, ऐसा कैसे भैया दे दो ना। देखो ये तो शॉल से कम कपड़ा है ना, ये 100 में आ जाएगा भैया, दे दो ना। तो नहीं नहीं भैया 100 में दे दो, हो गए डन हो गए डन हो गए। बस बस भैया इनको 100 रुपए दे दो, 100 रुपए 100 रुपए भैया 100 में डन है। चल थैंक यू। ओहो भैया मान गए। देखिए गाइस इतनी भीड़ है कि इलेक्ट्रिक वाले रिक्शे के अंदर से मुझे आना पड़ा। यहाँ पे मिल रही है बहुत सारी ज्वेलरीज, वाह। ये बालियाँ कितने की है? 120 से ये बड़ी वाली दिखाएंगी, ये चांद वाली। ओके ये देखिएगा इस कैसी लग रही है मेरे कानों में, है सुंदर दिख रही होगी? नहीं बढ़िया बढ़िया। ये भी दिखा दीजिए प्लीज, ये वाली ऊपर वाली मोतियों वाली 120 रुपए में, कितनी बढ़िया लग रही है। वैसे ये अच्छी लग रही है ना, ये 120 वाले ना, तो मुझे 100 में दे दो ना। ठीक है मैम, थैंक यू, एक पैकेट में रख दो प्लीज। सो गाइस अब बचे हैं लास्ट के 400 रुपए, और भाई पंजाब में है तो जूतियाँ खरीदना तो बनता है। तो देखो यहाँ पे मैं आ गई जूती मार्केट, जहाँ चारों तरफ मेरे जूतियाँ टंगी हैं। तो चलो देखते हैं कौन सी लेती हूँ आज। ये देखो गाइस यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर जूतियाँ टंगी हैं। ओहो हो हो ये पिंक, अरे बाप रे ये तो सारा हैंडवर्क करा हुआ है, देख रहे हैं कितना बढ़िया स्टोन का काम किया हुआ है, पर्ल का काम किया हुआ है, ये तो सीक्वेंस वाला काम है। वाओ दिस लुक्स सुपर। जूतियाँ कितने से स्टार्ट हो जाती है ये वाली?
200 से और कहाँ तक जाती है? 500, 600, 700. नहीं, सबसे महंगी कौन सी जूती आपके पास बताओ? ये देखो भैया, आपने खजाने में से निकाल के लाए महंगी से महंगी जूती, इसको रख देती हूँ मैं यहाँ. ये सबसे महंगी जूती है, इसमें इससे अच्छी तो वही लग रही है. हाँ भैया, सबसे महंगी तो लगी हमको. ये सबसे महंगी कैसी जूती है? नीली दिखाओ, पिंक दिखाओ, और ग्रे दिखाओ, हरी दिखाओ, सारे अतरंगी कलर की जूतियाँ दिखा दो मुझे. सबसे पहले मैं नीली वाली ट्राई करूंगी. ये कितने की बताई? 400 बोलते बोलते 450 कर दिए. रेट ऐसी बढ़ा दिया भैया, 400 बोल रहे थे और बीच में जब 50 ऐसे ज्यादा निकल गया मुंह से, मतलब बोलते बोलते जबान में आते थे, 50 ज्यादा हो गया. भैया ऐसे मत करो, सब लोग आ गए. बता बता, जूतियां इन्होंने 400 बोलते बोलते 50 ज्यादा बोला ना, ऐसा करा ना इन्होंने. अरे भैया, हमें देख के कंफ्यूज मत हो. ये नीली और गुलाबी कितने की है? दोनों की एक का. एक का? अरे नहीं भैया, ऐसा मत करो यार, मतलब 400 तो सिर्फ मेरे पास 400 रुपए तो बचे. एक ले लो आप. एक ही ले लूँ? ये देखो भैया तो बिल्कुल एकदम दृढ़ विश्वास करके बैठे हैं कि आज दोनों ही दोगे. इतनी दूर से आए जूतियाँ लेने. भैया कुछ तो डिस्काउंट दे दो ना, 400 ही तो बचे मेरे पास. एक ले लो. नहीं, हमें दो चाहिए भैया, ऐसा मत करो, दे दो ना. दो नहीं दोगे, एक ही दोगे तो हमारे पास 400 ही ना. एक ले लो ना फिर आप. नहीं भैया, हमें दोनों चाहिए. हमें तो दोनों अच्छी लगी है, ऐसे ऐसे मत करो. दो दे दो ना. ये चलो 300 में दे दो. सैलरी में से नहीं, सैलरी में से नहीं कटेंगे भैया. नहीं, अरे गुस्सा नहीं करो भैया. 300 में ये दे दो. हाँ, एक ही तो बोला, मतलब एक पैर थोड़े, पैर तो दोनों दोगे ना. पैर दोनों. सो गाइस, अब बचे हैं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये 100 रुपए. अभी 100 रुपए का मैं क्या लूँ? मुझे तो बड़ा कठिन लग रहा है कि 100 रुपए में मैं एक्चुअली इस मार्केट में क्या ले पाऊंगी. मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार. यहाँ पे तो सारी चीज मोजे. हाँ? वैसे बाकी चीजें तो 250 रुपए से स्टार्ट है. मोजे 100 में आ जाएंगे क्या? भैया कितने कितने के मोजे दिए? 500? नहीं, 100 के 3 जोड़ी. 100 के 3 जोड़ी? अच्छा, 500 यार. ये अच्छे है, मोटे टॉवल है. टॉवल ये मोटे मोटे हैं, वैसे अच्छे लग रहे हैं. देखिए इसमें कलर भी 3 है. तो भैया ये दे दो हमको. फिर ये लंबे आएंगे यहाँ तक, घुटने तक आ जाएंगे? ऊपर तक. काम मतलब यहाँ ऊपर तक लेगिंग्स का काम करेंगे? देखो मुझको राइट चल रहे हैं लेगिंग्स. नहीं, ये गाइस यहाँ तक आएंगे, बस यहाँ तक. ठीक है, तो ये लीजिए भैया, हमको एक पैकेट में डाल के दीजिएगा. एंड फाइनली अरे ये देखो भैया, ये तो हमारी शूटिंग के बीच में ही आ गया भैया. यार ₹1000 शॉपिंग चैलेंज जो है वो कंप्लीट होता है. सो गाइस, आपको मुझे ये बताना है कि 1000 रुपए के अंदर मैंने कितने कितने आइटम्स खरीदे. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट फ्राइडे. टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग. बाय.